मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इससे हतोत्साहित होंगे। देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं वो इतना ज्यादा ना कभी उत्साहित होते हैं ना घबराते हैं जितने पत्रकार बंधु होते हैं। आपने आज यहाँ महागठबंधन बना, पूरे देश में आपने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया। महाराष्ट्र में एक घटना हुई, अब आप नीतीश कुमार को हतोत्साहित बता रहे हैं। कितने लोग बता रहे हैं कि भाजपा में जा रहे हैं। भाई, इतनी तेजी से ब्रेकिंग न्यूज के तरह राजनीति चलती नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जो अभी महागठबंधन की सरकार है इस पर कोई तुरंत खतरा है। जो भी परिवर्तन होगा, अगर होना है तो 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है। इससे जुड़ी हुई जो आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि जदयू के कुछ लीडर भाजपा में जा सकते हैं, जिसे 2-3 दिन से मैं न्यूज देख रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जदयू के कुछ एमपी या भाजपा के कुछ एमपी या आरजेडी के कुछ एमपी एक दूसरे दल बदल ले या एक दूसरे के संपर्क में है, ये तो चुनाव से पहले होने वाली सामान्य घटना है। क्योंकि हर व्यक्ति को तो टिकट मिलना नहीं है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से आकलन करता है कि वो कैसे जीतेगा और उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन इससे बिहार की जो राजनीतिक स्थिति अभी है महागठबंधन और एनडीए की, उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन में लोकसभा से पहले नहीं देखता हूं। लेकिन साथ में जिस दिन महागठबंधन बना था उसी दिन मैंने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में जिस स्वरूप में महागठबंधन है और एनडीए है, इस स्वरूप में चुनाव नहीं होगा। उसका ऑलरेडी वो बात सत्य हो गई, मांझी जी निकल कर बाहर चले गए। तो अगला विधानसभा चुनाव से पहले आज की जो स्थिति है इसमें भी बड़ा बदलाव आएगा, ये आप लिख लीजिए। लेकिन कौन उसमें भागेगा, कौन किधर जाएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये बात एकदम सत्य है, लिख के दिया जा सकता है कि जो आज राजनीतिक फॉर्मेशन है ये 24 के बाद विधानसभा चुनाव तक बना रहे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। उसमें काफी फेरबदल होगा।